हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार। हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य महाधिवक्ता की, राज्य का महाधिवक्ता बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। बहुत से कंपटीशनों के अंदर सिलेबस में इसको दे रखा है, जैसे कि पटवार के अंदर आप देख सकते हो। वैसे अगर जहां राज्य सरकार होगी वहां पर यह पद जरूर होगा, राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता जिसे द एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट भी कहा जाता है, कहनी का मतलब एडवोकेट जनरल है ये राज्य का, राज्य का एडवोकेट जनरल है, जो कि भारतीय संविधान के भाग छवी अनुच्छेद 165 में, अनुच्छेद 165 के अंदर राज्य का महाधिवक्ता पद बताया गया है। गौर से सुनना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता पद का उल्लेख किया गया, केवल एक ही अनुच्छेद है, मात्र एक ही अनुच्छेद के अंदर राज्य के महाधिवक्ता पद का उल्लेख कर रखा है। क्लियर है ना, समझ में आ गया ना? ठीक है ना। आज हम किसकी बात करें, राज्य के महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं। साथियों इसके अंदर आप देखोगे अनुच्छेद, जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि हम भारतीय राजव्यवस्था इंडियन पॉलिटी को नए सिरे से, नए तरीके से, नए अपडेट के साथ पढ़ रही हैं। कैसी लग रही है भारतीय राजव्यवस्था? हमारे पीछे के वीडियो आपने देखे होंगे, किस तरीके का आपका मूल्यांकन हो रहा है, आपकी अच्छी तैयारी हो रही होगी। साथियों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बता दो मेरे वाले वीडियो आपको कैसे लग रही हैं भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित। साथियों कल हमारा भारतीय राजव्यवस्था का टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज नंबर 9, जो कि राज्य की कार्यपालिका, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद और महाधिवक्ता जैसे कर्मचारी होंगे। गौर कर लेना, अच्छी तैयारी के साथ वह प्रश्नोत्तरी टेस्ट आपको देना है, आपको अपना मूल्यांकन करना है कि ये टॉपिक कितना तैयार हुआ। आगामी भविष्य में जब भी कोई कंपटीशन हो तो उसके अंदर कोई क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ठीक है ना साथियों। तो मैं यहां पे कह रहा था कि अनुच्छेद 165 है ना, उसके 3 पॉइंट बना रखे, मात्र 3 ही पॉइंट है, गौर कर लेना इस बात के अंदर। अनुच्छेद 165 में सबसे पहला पॉइंट बना रखा है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस राज्य में हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कह दो या अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। नियुक्ति होगी राज्यपाल के द्वारा। आगे बात सुनिए, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उस व्यक्ति को जो उस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने जैसी अर्हताएं, योग्यताएं रखता हो, उस व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। ये बात है अनुच्छेद 165(1) के अंदर। नियुक्ति कह दो और योग्यता कह दो, दो बातें हैं संविधान में राज्य महाधिवक्ता की 165(1) के अंदर। उसके बाद में 165(2) में है कि वह राज्य सरकार को कानूनी सलाह देगा, कानूनी जो विषय होंगे ना उनके ऊपर ही परामर्श देगा, सलाह देगा, ये उसका कार्य होगा। ये बताया गया 2 में, 165(2) के अंदर। और 3 में बताया गया कि राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेगा, और राज्यपाल जैसे कार्य निर्देशित करे वैसे वह कार्य करेगा। आगे बात में तो यहां प्रसाद पर्यंत है, सीधी सी बात है, राज्य का जो महाधिवक्ता है उसका कार्यकाल बताया यहां पे।
वैसे कार्यकाल नहीं, कोई 5 वर्ष 65 वर्ष 6 वर्ष ऐसे नहीं है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, राज्यपाल चाहेगा तब तक रहेगा। और ये मान के चलो कि महाधिवक्ता जब सरकार होती है राज्य में उसके अकॉर्डिंग होगा, जब नई सरकार बनती है तो नया ये मानो महाधिवक्ता आ जाता है, राज्यपाल से कह के मुख्यमंत्री हटा देता है और अपने फेवर के व्यक्ति को ले आता है जो उसे कानूनी सलाह देगा। तो गौर कर लेना कौन कौन सी बातें लिखी हुई है, क्योंकि मैंने कहा ना शब्द से क्रम से तैयार कर लेना अति महत्वपूर्ण है। एक तो नियुक्ति लिखी हुई है, एक योग्यता लिखी हुई है, उसके बाद में कार्य लिखा हुआ है, परामर्श देगा, कानूनी सलाह देगा, और उसके बाद में प्रसाद पर्यंत रहेगा। बस ये तीन ही बातें संविधान में लिखी हुई है, नोट कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। हां इतना जरूर है कि अनुच्छेद अनुच्छेद आप देखोगे 177 के अंदर एक बात लिखी हुई है, क्या कि राज्य के जो मंत्रीगण होंगे और राज्य का महाधिवक्ता होगा वह राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है। एक सदन है तो एक सदन में, अगर दोनों सदन है वहां पे विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद, तो दोनों में भाग ले सकता है राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता याद रखना, और मंत्री भी ले सकते हैं, लेकिन मंत्री जिस सदन के सदस्य है ना वहां तो मतदान करेंगे, लेकिन जिसके सदस्य नहीं है वहां मतदान नहीं करेंगे, लेकिन राज्य का विधान मंडल कार्रवाई में भाग लेगा, चर्चा परिचर्चा करेगा, अपने विचार प्रस्तुत करेगा, लेकिन मत नहीं देगा, वोटिंग नहीं करेगा, वोट नहीं डालेगा। याद करो अनुच्छेद 88 महान्यायवादी अटोर्नी जनरल, सेम वही बात 177 में लिखी हुई है राज्य महाधिवक्ता की। कुछ समझ में आ रहा है क्या? जिस प्रकार देश के अंदर महान्यायवादी अटोर्नी जनरल होता है, केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का कानूनी परामर्शदाता, सीधी सी बात है प्रधानमंत्री का कानूनी वकील जो प्रत्येक न्यायालय की सुनवाई में भाग ले सकता है, ऐसा उसके पास अधिकार होता है। सेम उसी प्रकार का पद राज्य में राज्य का महाधिवक्ता का होता है, एडवोकेट जनरल, क्या कहते हैं एडवोकेट जनरल, सेम वही स्थिति है, ये राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कानूनी परामर्शदाता होता है, और राज्य के जितने भी न्यायालय हैं उसके अंदर सुनवाई का अधिकार है, इसे कार्रवाई में भाग ले सकता है, ये राज्य सरकार का वकील होता है। सब बात तो ये है साथियों, आगे ना बात समझ में, तो हमारे राजस्थान में भी राज्य महाधिवक्ता का पद है, बता दो वर्तमान में कौन है, याद कर लेना अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के भाग 6 में है, याद करना, अध्याय पूछे तो दूसरा होगा राज्य कार्यपालिका वाला, राज्य कार्यपालिका वाला होगा, अध्याय 2 में अनुच्छेद 165 में है राज्य का महाधिवक्ता पद, केवल मात्र एक ही अनुच्छेद में, और जिसके 3 पॉइंट बना रखे हैं 165 के, 165 के 3 पॉइंट बना रखे हैं। पहले में नियुक्ति राज्यपाल करेगा और योग्यता होगी क्या, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बनने की जो योग्यता है, कौन सी, वह भारत का नागरिक हो, वह 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो, या फिर वह 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो, एडवोकेट वकील रह चुका हो, वकालत कर चुका हो, दो या दो से अधिक हाई कोर्टों में भी हो सकता है, दो या दो से अधिक जो उच्च न्यायालय वहां पर यह योग्यता है, दो वैसे दूसरी की एक प्रकार से अथवा में और है, जबकि यहां कोई भी योग्यता ऐसी नहीं है कि वह राज्यपाल या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का ज्ञाता हो, कानून का विधि वेता हो, कानून का विधि वेता हो, ऐसी कोई भी नहीं है कि वह राष्ट्रपति और राज्यपाल की दृष्टि में कानून का पारंगत विधि वेता हो, ज्ञाता हो, ऐसा नहीं है। केवल दो ही योग्यता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए, वह भारत का नागरिक हो, नंबर दो वह 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रह चुका हो, न्यायिक क्षेत्र में कार्य कर चुका हो कहीं पे भारत राज्य क्षेत्र में,
और तीसरा आप देखोगे कि वह भारत के दो या दो से अधिक हाई कोर्टों में उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो उसे बनाया जाएगा। तो उसी प्रकार राज्य का महाधिवक्ता की भी योग्यता वही होगी जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की है, जो इसके अंदर बताई है। दूसरे में उसके कार्य कि राज्य सरकार को वह कानूनी सलाह देगा, कानूनी विषयों के ऊपर ही कार्य करेगा, ऐसा उसका कर्तव्य होगा। और उसके बाद में तीन में कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेगा, राज्यपाल कभी भी हटा सकता है, इसके ऊपर कोई महाभियोग नहीं लगता, राज्यपाल चाहे तब हटा सकता है। कहनी कल और राज्य सरकार मुख्यमंत्री उसकी मंत्री परिषद कभी भी हटवा सकती है राज्यपाल को कह करके। और आप देखोगे कि व्यवहार में जैसे ही राज्य सरकार चेंज होती है राज्य महाधिवक्ता चेंज हो जाता है। आगे बात सुनने, तो कहने का मतलब अति महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य का महाधिवक्ता। सबसे पहले नंबर एक नियुक्ति याद रखना, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा उस राज्य का जहां वह महाधिवक्ता बनने जा रहा है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति होगी, इतना याद रख लेना, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर दो योग्यता ध्यान देना, जो कि योग्यता हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होनी चाहिए। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जबकि महान्यायवादी के लिए गौर कर लेना, जो कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट है, ये योग्यता होगी। नंबर तीन याद रखना, शपथ ध्यान देना, शपथ राज्यपाल दिलाएगा राज्य महाधिवक्ता को, एडवोकेट जनरल को। हां जी, नंबर चार कार्य काल याद रखना, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, यह अति महत्वपूर्ण है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा राज्य का महाधिवक्ता। समझ में तो आ रहा है ना साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत बार इसमें से क्वेश्चन बना दिया जाता है। गौर करना इस बात पे, पल्ले पड़े को नहीं पड़े, समझ में आवे को नहीं आवे, बता दो मेरे साथियों। हां जी, उसके बाद में नंबर पांच वेतन भत्ता, जो कि समय समय पर विधानमंडल तय करेगा वही मिलेगा, जो कि पहले 80,000 रुपए थे, अब सातवें वेतन आयोग के बाद में चेंज कर दिया गया है। गौर करना, वेतन भत्ता समय समय पर विधानमंडल तय करेगा, वह वेतन भत्ता मिलेगा राज्य के महाधिवक्ता को। और उसके बाद में नंबर छह हटाना ध्यान रखना, कौन हटाएगा? राज्यपाल कभी भी हटा सकता है, महाभियोग नहीं लगेगा राज्यपाल कभी भी हटा सकता है, क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत इच्छानुसार है, जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ये पद पे रहेगा, जिस दिन राज्यपाल हटाना चाहे उस दिन इसे हटा देगा। अगले वास्तव में नंबर सात त्याग पत्र, गौर करना, त्याग पत्र देगा किसको? राज्यपाल को। किसको देगा? राज्यपाल को अपना त्याग पत्र संबोधित करेगा, लेकिन ऐसा संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है। संविधान में केवल ये तीन पॉइंट है, इन्हें जरूर तैयार कर लेना। हां जी, उसके आदमी है नंबर आठ कार्य व शक्तियां, गौर करना, इसका कार्य यह राज्य का प्रथम और सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, यह क्वेश्चन याद कर लेना, यह राज्य का सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी होता है। मुख्य न्यायाधीश मत कर देना, कानून मंत्री मत कर देना, राज्यपाल मत कर देना, यही होगा, ध्यान देना, यह राज्य का सर्वोच्च और प्रथम विधिक
अधिकारी होता है। अति महत्वपूर्ण इसके कार्य व शक्तियां वेरी वेरी मोस्ट है, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है, गौर कर लेना। राज्य का सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? याद रखना, राज्य का महाधिवक्ता होता है, ठीक है। उसके बाद में नंबर दो, ये तो इसका हो गया पहला काम। दूसरा काम हो जाएगा कि यह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, परामर्शदात्रा कह सकते हो, कानूनी विषयों पर राय देगा। ये राज्य सरकार का वकील होता है, जो राज्य के प्रत्येक न्यायालय की कार्यवाही में सुनवाई कर सकता है, सुनवाई का अधिकार है इसे। राज्य के, गौर करो, जो कि महान्यायवादी को पूरे भारत के सभी न्यायालयों में, और इसे केवल राज्य के, क्योंकि राज्य का महाधिवक्ता ये एडवोकेट जनरल है ये। साथियों आगे देखो, नंबर तीन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेता है, चर्चा परिचर्चा करता है, अपने विचार प्रस्तुत करता है, लेकिन मत नहीं देगा, वोटिंग नहीं करेगा, वोट नहीं डालेगा। विधानमंडल में दोनों सदनों में जा सकता है, दोनों है तो, और एक है तो एक में जा सकता है। यह है राज्य विधान मंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, चर्चा परिचर्चा कर सकता है। गौर करना, अनुच्छेद 177 में यह बात लिखी हुई है, चर्चा परिचर्चा करेगा, अपने विचार प्रस्तुत करेगा, लेकिन मत नहीं देगा, वोटिंग नहीं करेगा, वोट नहीं डालेगा। जब विधानमंडल के सदन में वोटिंग की बारी होगी, उस समय यह वोटिंग नहीं कर सकता। साथियों इस बात को ध्यान देना, और ये राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होता, फिर भी देखो उसकी कार्रवाई में भाग लेता है। वही बात है जैसे केंद्र में महान्यायवादी अटोर्नी जनरल की है, उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता की है। गौर करो साथियों, अति महत्वपूर्ण बात है। ये राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग लेता है, चर्चा परिचर्चा करता है, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा, मत नहीं देगा, अपना वोट नहीं देगा वहां पे। इस बात को नोट कर लेना। और राजस्थान के प्रथम जो कि महाधिवक्ता जीसी कासनीवाल थे हमारे राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता। और वर्तमान में ध्यान देना, वर्तमान में जो मैंने पूछा था ना आपको, वर्तमान में कौन है, जो कि आपने क्या होगा, नरपत मल्लोडा, ना जी ना, वो हट गए, वो पहले बीजेपी की सरकार थी वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में उस समय थे। उसके बाद में जैसे ही कांग्रेस की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में आई, तो मैंने कहा ना कि जैसे ही सरकार चेंज होगी, राज्य महाधिवक्ता चेंज हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, परामर्शदात्रा होता है, कानूनी राय देता है ये एक प्रकार से। इसलिए वर्तमान में याद रखना, महेंद्र सिंह सिंघवी है जोधपुर से, कहां से, महेंद्र सिंह सिंघवी, जो अशोक गहलोत ने इसे बनवाया है हमारे राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल को कह करके। तो इसे भी नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है, छोटा सा टॉपिक है, राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के भाग छह में अनुच्छेद 165 में राज्य महाधिवक्ता पद का उल्लेख है, केवल मात्र एक अनुच्छेद में, जो कि 165 में तीन पॉइंट बनाए हुए हैं। पहले में तो कहा है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, उसे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। और दूसरे के अंदर उसके कर्तव्य गिनाए गए हैं कि राज्य सरकार को वह कानूनी सलाह देगा कानूनी विषयों पर,
कानूनी विषयों पर, और तीन में दिया है कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पे रहेगा, जो राज्यपाल उसे समय समय पर कार्य देगा वह अवधारित करेगा, उन कार्यों को करेगा। ये बातें हैं धारणा 177 में भी महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है। क्या कहा गया कि वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्रवाई में, दोनों है तो एक है तो उसके अंदर कार्रवाई में भाग ले सकता है, चर्चा परिचर्चा कर सकता है, याद रखना विचार प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन मत नहीं देगा, वोटिंग नहीं करेगा और ये राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होगा। देखो सबसे पहले नियुक्ति याद रखना कौन करेगा, राज्यपाल करेगा राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति। उसके बाद में योग्यता, हाईकोर्ट, कौन, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यता होगी, जो मैंने बता दी कौन कौन सी योग्यताएं हैं। शपथ कौन दिलाएगा, राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। कार्यकाल कितना होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, कोई कार्यकाल नहीं है, 5 वर्ष 6 वर्ष 65 वर्ष ऐसा कुछ नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जब तक राज्यपाल चाहेगा महाधिवक्ता अपने पद पर रहेगा। और उसके बाद में वेतन भत्ता, समय समय पर विधानमंडल तय करेगा, विधि बना करके वह वेतन भत्ता मिलेगा महाधिवक्ता को। और हटाया जाना, ध्यान रखना राज्यपाल कभी भी हटा सकता है, उसके प्रसाद पर्यंत कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लगेगी, कोई भी महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगेगी। त्याग पत्र देगा राज्यपाल को, राज्य का महाधिवक्ता अपना इस्तीफा त्याग पत्र राज्यपाल को देता है और इसकी कार्य व शक्तियां ये राज्य का सर्वोच्च और प्रथम विधिक अधिकारी होता है, नोट कर लेना अति महत्वपूर्ण है। दूसरा काम है यह राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार या परामर्शदाता होता है, ये राज्य के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है, सभी न्यायालयों में जा सकता है, ये राज्य सरकार का वकील होता है, एडवोकेट जनरल। उसके बाद में यह राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चर्चा परिचर्चा कर सकता है, विचार प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन मत नहीं देगा, वोटिंग नहीं करेगा, वोट नहीं डालेगा। सेम वही स्थिति है जैसी केंद्र में महान्यायवादी अटोर्नी जनरल की है, वैसी स्थिति राज्य में राज्य के महाधिवक्ता की है, आगे बात में। और ये राज्य विधानमंडल का सदस्य भी नहीं होता, राज्य विधानमंडल का मेंबर नहीं होगा, सदस्य नहीं होगा, फिर भी देखो कार्रवाई में भाग लेता है, बीच में जाकर के उनके बैठ सकता है विधानमंडल के सदनों के अंदर, चाहे विधानसभा तो विधानसभा और विधान परिषद है तो विधान परिषद। हां जी, राजस्थान के प्रथम जो कि महाधिवक्ता थे जीसी कासनीवाल थे हमारे राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता, और वर्तमान में याद रखना महेंद्र सिंह सिंघवी है, वर्तमान में कौन है, महेंद्र सिंह सिंघवी जोधपुर के, जो कि वर्तमान में हमारे राजस्थान के राज्य महाधिवक्ता है, अशोक गहलोत के कानूनी सलाहकार कह सकते हो, राज्य सरकार के वकील कह सकते हो, एक प्रकार से यही सलाह देता है, महेंद्र सिंह सिंघवी ही राज्य सरकार को कानूनी परामर्श या कानूनी सलाह देता है, राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, ये चर्चा परिचर्चा कर सकता है, लेकिन मत नहीं देगा, अपना वोट नहीं देगा। मत का मतलब यहां पे वोट से है, याद रखना, मत का मतलब विचार मत कर देना, ठीक है ना, मत का मतलब यहां पे वोटिंग से है कि वोटिंग नहीं करेगा। ये था राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। कैसा लगा साथियों, बहुत ही छोटा सा और महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे तैयार कर लेना। एक तो नियुक्ति पूछी जा सकती है, याद रखना, एक इसका कार्यकाल अति महत्वपूर्ण है, कार्यकाल, एक त्याग पत्र और कार्य और शक्तियों का तो कहना ही क्या, ये तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, याद रखना ये तो सबसे ज्यादा, और अनुच्छेद तो तैयार करना ही करना है, अनुच्छेद तो जरूर तैयार करना है, 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। क्लियर है ना, आ गया ना समझ में, कितना छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग और मजेदार आ गए ना, कई दिनों से आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है। आज साथियों एकदम क्लियर हो गया ना, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने साथियों के साथ,
अपने सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आगामी कोई कंपटीशन देते हैं तो उसके अंदर क्या पता इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए हमारे भाग्य में, तो इस समय हमारा गलत ना हो, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इसी प्रकार से अपना सनी सहयोग और प्यार बनाए रखिए, जिससे कि मेरा भी उत्साह मनोबल ज्यादा से ज्यादा बढ़े और मैं आपके पास अच्छे से अच्छा मैटर पहुंचाऊं। मेरी पूरी कोशिश होगी साथियों कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा मैटर उपलब्ध करवाऊं। तैयार करना आपका काम है, तैयार कौन करेगा, आप करोगे, पहुंचाने वाला कौन, मैं, जबकि आपकी सफलता सुनिश्चित कौन करेगी, आप करोगे। चाहता मैं हूं कि आप सफल हो। जो मैं बार बार कहता हूं ना कि मेरा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, आपकी सफलता। मारो उद्देश्य था कि सफलता, बस आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, आप एक अच्छे सभ्य इंसान बन जाओ, एक अच्छी पोस्ट को रिजर्व करो, एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग जाओ। अन्यथा अगर किस्मत में नहीं है तो कम से कम अपना नॉलेज तो है ना, इसलिए अपने नॉलेज को भी तो बढ़ाओ। एक अच्छे सभ्य नागरिक का जीवन जियो, जिसे हमें हमारे भारतीय राजव्यवस्था का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना जरूरी है साथियों। आ गई ना बात समझ में, पल्ले पड़े को नहीं पड़े, या तो बता दो मन्ने कि भारतीय राजव्यवस्था कितनी क्लियर हो रही है आपकी। आपने पहले भी किताबों में, गाइडों में, बुकों के अंदर, नोट्सों में या कोचिंग सेंटरों में पढ़ा होगा, और एक आप मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हो, कितना अंतर नजर आ रहा है साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अंत में वही बात दोहराऊंगा कि हमेशा खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, प्रेम से मस्त रहना, सदा हंसते रहना है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखो। जब भी एग्जाम होगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी तो होनी चाहिए। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि अभी तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई विज्ञापन ही नहीं आया अभी तक, जैसे कि रीट का है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है इनका, जबकि राजस्थान पुलिस पटवार इनके तो एग्जाम की डेट भी घोषित कर रखी है। तो साथियों लग जाओ, जुट जाओ तैयारी में, रात दिन एक कर दो, ये मौका बार बार नहीं आएगा। आप देख रहे हो संख्या बल बढ़ता नजर आ रहा है, तो आगामी भविष्य में बहुत सी परेशानियां, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्यों न उससे पहले ही हम अपना भविष्य श्योर कर ले, एक प्रकार से कि हमें क्या बनना है, ये एक अच्छा लक्ष्य और उद्देश्य मकसद लेकर के तैयारी शुरू कर दो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा तो यही कहना है। तो आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये वीडियो देखा और सुना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।